तो तीस्ता केसमां सौथी मोटी खबर सामे आवी रही छे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एटले के एसआईटी गुजरात रमखाणो वखते फरज बचावी चूकेला पोलीस अधिकारीओना फरी निवेदन नोंधशे। तात्कालिक डीजीपी आईबीना डीजीपी रमखाणो समये जे गृह विभागना सेक्रेटरी हता ते तमामना एसआईटी फरी निवेदन नोंधशे। संजीव भट्टे कोर्टमां खोटू सोगंदनामुं कर्युं हतुं जे मामले एसआईटी फरी रमखाणो वखते फरज बचावी चूकेला पोलीस अधिकारीओना निवेदन नोंधशे। रमखाणो वखते संजीव भट्टे तात्कालिक मुख्यमंत्री साथे मीटिंगमां होवानो पण दावो कर्यो हतो खोटो। संजीव भट्टना खोटा सोगंदनामाने लईने एसआईटी तमाम अधिकारीओना निवेदनो नोंधशे। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदीने बदनाम करवामां पूर्व आईपीएस संजीव भट्टनी महत्वनी भूमिका। तो तीस्ता सेतलवाड केसमां सौथी मोटा समाचार रईश खाने एसआईटी समक्ष निवेदन नोंधू। तीस्ता सेतलवाड सामे वधु एक महत्वनुं निवेदन, रईश खाने मेजिस्ट्रेट समक्ष 164 मुजब निवेदन आप्युं। वर्ष 2002 गुजरात रमखाणोमां खोटा एफिडेविट करवा अने साक्षी उभा करवा मामले कार्यवाही। तीस्ता सेतलवाड सामे एसआईटीनी वधु एक महत्वनुं निवेदन नोंधू। वर्षो सुधी तीस्ता साथे काम करीने छूटा पड़ेला रईश खाने एसआईटीनी समक्ष निवेदन नोंधाव्युं। तीस्ता सामे रईश खाने मेजिस्ट्रेट समक्ष 164 मुजब निवेदन नोंधाव्युं। रईश खानना निवेदन बाद नवा आरोपी उमेरवानी शक्यताओ छे। तीस्ता सेतलवाड़नी कोंग्रेसना नेता अहमद पटेल साथे बैठक थई हती। रईशनुं आ कहेवुं अहमद पटेल साथेनी बैठकमां हुं पोते हाजर हतो। બેઠકમાં કોંગ્રેસના તત્કાલીન નેતાઓ પણ હાજર હતા। સર્કિટ હાઉસમાં મળેલી બેઠકમાં અહેમદ પટેલે 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા અને પછીથી અહેમદ પટેલે 25 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા। રઈસ ખાનનું આ નિવેદન છે। ચૂંટણીમાં ગુજરાતની સરકારને ઉથેલવા આ ષડયંત્ર ઘડાયું હતું। તીસ્તાએ ધમકી આપતા રઈસ ખાને તેનો સાથ છોડ્યો હતો। ऐसा उसने काम किया कि ये 40-45 असरग्रस्तों को जो कि बोलने वाले थे, माहिर थे, जिनको तीस्ता से तलवार मंथली पैसा दिया करती थी और जो बोलने में बहुत माहिर थे मीडिया के सामने, उनको 45 लोगों को हर जगह से हर कैंपों से जब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बस द्वारा उनको दिल्ली हम लेकर आए थे और वहाँ पर तीस्ता सेतलवाद ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया था विट्ठल भाई भवन में। वहीं रहने का भी इंतजाम उनका करा था और वहीं पर एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें देश और विदेश की मीडिया मौजूद थी और उसमें उन लोगों ने जो बोलने में माहिर थे विक्टिम उन लोगों ने बोला और वहाँ पर जो है वहाँ पर बैठे हुए लोग थे वो सब सुन रहे थे। वहाँ पर मौजूद ज़्यादा तादाद जो थी वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की थी जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता मौजूद थे। उसके बाद में तीस्ता सेतलवाद ने वहाँ पर ये कहा कि हमें बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है और फंड अगर हमको पैसा मिलता है तो हम इनको इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे और उसी वक्त एक चादर बिछाई गई और वहाँ पर जो है लोगों ने फंड की शक्ल में पैसे कैश और बहुत सारी महिलाओं ने अपने जेवर भी निकाल के वहाँ पर डाल दिए। तो ये तीस्ता सेतलवाद की पहले वो शुरुआत थी कि जहाँ खामोशी से फंड लिया गया अहमद पटेल के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उसके बाद में ये खुलेआम जो है वो इस तरह से भी अपील कर करके भी उन्होंने फंड लिया। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई थी, उस वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने अपील की हुई थी, उस वेबसाइट के ऊपर भी उनको काफ़ी पैसा उनके अकाउंट में आया करता था फंड का और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत पैसा उनको मिला करता था। जब भी वो कांग्रेस से पैसा मांगा करती थी तो उनको पैसा मिला करता था। पहली बार तीस्ता सेतलवाद से मिल वो हम और तीस्ता सेतलवाद अहमद पटेल से मिलने के लिए गए दंगों के बाद में शाही बाग सर्किट हाउस के अंदर। तो सर्किट हाउस में अहमद पटेल ने तीस्ता सेतलवाद से ये कहा कि आपको हमारे लिए काम करना है और आपको हमारे लिए हम जैसा कहेंगे हमारे कहने पर अमल आप करेंगी तो हम ये सरकार को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तो तीस्ता सेतलवाद ने कहा कि हम जो है वो आप जैसा कहेंगे और उस तरह से हम करेंगे और
उन्होंने कहा, अहमद पटेल ने तीस्ता से तलवार से, कि बड़े मामले जो गुजरात के हैं वो सारे आप अपने हाथ में लीजिए और विक्टिमों को अपने हाथ में लीजिए और इसका ऐसा प्रोपोगंडा करिए कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो नरेंद्र मोदी को एक बुरा आदमी समझे और नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना पड़े और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़े और यहाँ की सरकार जो है वो खत्म हो जाए। तो उदय रंजन अमारी साथे लाइव जोड़ाई गया छे। उदय, रईस खाननुं जे निवेदन सामे आव्युं छे, तिस्तानी मुश्केलीओ वधवानी छे, केटलाक नवा चेहराओ पण सामे आवे तेवी शक्यताओ छे, एक षड्यंत्र हतुं ए वखतनी सरकारने उथलावा माटेनुं, बदनाम करवा माटेनुं आ। चौक्स दीक्षित जो बात करवामां तो रईस खान पठाण नो अवाज हतो। रईस खान पठाण जे छे जी 24 कलाक साथे एक्सक्लूसिव बात करी हती अने तेनी अंदर एने माहिती एवा प्रकारनी आपी छे के जे ते समय तीसा सतलवार साथेनो संपर्क थयो त्यारे ते पहली ज मुलाकात अहमद पटेल साथे शाहीबाग सर्किट हाउस खाते करेली हती, जेनी अंदर नक्की करवामां आवेलुं हतुं के गुजरातनी आ सरकारने पाड़ी भांगवी, साथे ज जे अत्यारना वडाप्रधान छे त्यारना तत्कालीन मुख्यमंत्री हता एवा नरेन्द्र मोदीनी छबीने क्यांक ने क्यांक बगाड़वा माटेनो प्रयत्न करवामां आवे अने आ सफलता मेळवा माटे ते तीसा सतलवारने पैसा पण एटले के आर्थिक मदद करवामां आवी हती, जेनी कुल रकम 30 लाख रुपया थवा पामी छे। आ आखे आखू निवेदन जी 24 कलाकमां तेणे आपेलुं छे, साथे साथे कोर्ट समक्ष 164 મુજબનું પણ નિવેદન એણે આપેલું છે કે જ્યાં એની હાજરી હતી, જે પ્રમાણે જે વાત થઈ તમામ બાબતોનો ઉલ્લેખ જેની અંદર કરવામાં આવેલો છે। સંજીવ ભટ્ટને લઈને જો વાત કરવામાં આવે, તીસ્તા સતલવાર સંજીવ ભટ્ટ જે છે તેની પણ અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે। સંજીવ ભટ્ટ જે છે 20મી તારીખ સુધી અત્યારે રિમાન્ડ ઉપર છે અને આ રિમાન્ડની કાર્યવાહીની અંદર અનેક નવા ખુલાસાઓ થઈ શકે એમ છે અને ખાસ કરીને રઈસ ખાને જે નિવેદન આપેલું છે તેની અંદર અલગ અલગ બીજા અનેક કોંગ્રેસ નેતાઓ પણ આ મિટિંગમાં હાજર હોવાનું જણાવેલું છે, તો આ કેસની અંદર વધારે નવા આરોપીઓ અને નવા ચહેરાઓ જે છે એ ઉઘાડા થશે ક્યાંક ને ક્યાંક। દીક્ષિતા, બિલકુલથી ઉદય, જે પ્રકારનું નિવેદન રઈસ ખાને આપ્યું છે તે પણ જોડાયેલા હતા અને તમને એવી ખબર પડી કે આ એક મોટું ષડયંત્ર છે, બદનામીનું નામ છે અને તેઓ તિસ્તાથી અલગ થઈ ગયા હતા। તિસ્તાની કેટલી મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે, સંજીવ ભટ્ટની કેટલી મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે। જો તિસ્તાની વાત કરવામાં આવે તો આજેની જામીન અરજી ઉપર સુનાવણી હતી અને સંજીવ ભટ્ટની જો વાત કરવામાં આવે તો સંજીવ ભટ્ટ જે છે તેના કેસને, એટલે કે સંજીવ ભટ્ટે જે પ્રકારનો એક દાવો કરેલો હતો કે રમખાણને લઈ અને જે મિટિંગ યોજવામાં આવી હતી મિટિંગની અંદર પોતાની હાજરી, આવું જે એફિડેવિટ એને કરેલું હતું તે એફિડેવિટ ક્યાંક ને ક્યાંક ખોટું સાબિત થયું અને એને લગતી એસઆઈટી જે છે જે તે સમયે એ એસઆઈટીએ પણ આ રિપોર્ટ જે છે આપી ચૂક્યો છે અને આ રિપોર્ટની અંદર જે છે અન્ય અધિકારીઓ, એટલે કે જે તત્કાલીન એ સમયના જે ડીજીપી છે, એસીએસ હોમ છે, ડીજીપી આઈબી છે, આ તમામ લોકોએ પહેલાની એસઆઈટીની અંદર પણ નિવેદન આપેલા હતા કે સંજીવ ભટ્ટ આ મિટિંગની અંદર ક્યાંય પણ હાજર ન હતા। ત્યારે અત્યારની જે એસઆઈટી તપાસ કરી રહી છે સંજીવ ભટ્ટને લઈને, ત્યારે ફરી એક વખત જે છે તમામ લોકોનું નિવેદન જે છે નોંધવામાં આવશે અને ખૂબ જ મહત્વરૂપ સાબિત થશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આખે આખો કેસની અંદર જે છે નો વળાક પણ આવી શકે છે। બિલકુલ, આભાર આપની પાસેથી અપડેટ્સ લેતા રહીશું ઉદય। રઈસ ખાને એસઆઈટીની સમક્ષ જે નિવેદન નોંધ્યું છે